हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। प्रीति के रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाएंगे वेज दम बिरयानी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1.5 कप चावल लिया है, ये बासमती चावल है। हम इसको 2 से 3 पानी धो लेंगे। हमने धो लिया, अब हम इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। एक पतीला लेंगे और उसमें पानी डालेंगे, 4 से 5 कप पानी डालेंगे। आधा चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और 2 हरी इलायची डाल लेते हैं। 3 से 4 लौंग डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, 1 चक्रफूल डाल देते हैं। अब हम 4 से 5 बूंद नींबू डालेंगे ताकि एकदम फ्रेश चावल वाइट होता है। अब हम इसको बॉईल होने देंगे। अभी हमारा पानी बॉईल हो गया, अब हम चावल को डाल देंगे। और ये मसाले इसलिए डाले हैं ताकि सारा फ्लेवर चावल में आ जाए और बहुत ही टेस्टी बनता है। और हमारा पीला चावल था थोड़ा कलर में, एक वाइट होता है एक पीला होता है, तो हल्का पीला था, तो इसलिए हम नींबू डालेंगे ताकि हमारा चावल एकदम वाइट हो जाए। अब हम चावल को पका लेंगे और इसको 80% तक पकाएंगे, पूरा नहीं पकाएंगे क्योंकि हम दम देंगे तो उसमें 20% पक जाएगा। तो हम पका लेंगे इसको और ये पकते हुए 6 मिनट हो गए। अब हम इसमें तेजपत्ता और वो जो चक्रफूल डाला था वो निकाल देंगे। देखिए थोड़ा सा कच्चा है और ये देखिए हमारा चावल कितना वाइट एकदम फ्रेश दिख रहा है। अब हम इसको छान लेंगे पानी से। हमने छान लिया, अब चलते हैं गैस के पास। अब हम सब्जियां फ्राई करेंगे। कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, 2 मिनट हो गया गर्म होते हुए। अब हम गोभी को पहले फ्राई करेंगे और ये आधा गोभी है, इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका क्रंच बना रहे, तो क्रंच अच्छा लगता है। अब हम निकाल लेंगे इसको, फ्राई हो गया। अब हम 1 गाजर डालेंगे, लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है। 7-8 हमने बीन्स लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। और ये रेड शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च हमने आधा आधा लिया है, छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। थोड़ा पहले इसको फ्राई करेंगे गाजर और बीन्स को, क्योंकि थोड़ा सा उसमें लेट होता है पकने में और शिमला मिर्च जल्दी पक जाता है, तो इसलिए हम बाद में डालेंगे और चलाते हुए भून लेंगे। और इन सब्जियों का कलर बहुत अच्छा आता है, कलरफुल ग्रीन रेड। अब हम शिमला मिर्च डाल देंगे, रेड शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च हमने आधा आधा लिया था। अब ये हमारा फ्राई हो चुका है 1 से 2 मिनट तक। अब हम निकाल लेंगे इसको। और हमने आधा कप फ्रोजन मटर लिया है, फ्रोजन लिया है इसलिए हमने सब्जियों के साथ नहीं भुना। अब हम मसाले भुनेंगे, तो 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को तड़कने देंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 पिंच हींग और ये 2 हरी इलायची डालेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 लौंग डालेंगे और 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे और इसको चलाएंगे। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन कुटा हुआ और इसको भून लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ अदरक डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है। और भूनेंगे इसको थोड़ा। अब हम डालेंगे इसमें 3 से 4 हरी मिर्च, बीच से हमने कट लगा लिया है, और 1 ये बड़े साइज का प्याज है डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, ऐसे ही चलाते हुए। ये हमारा 2 मिनट हो गए लगभग भूनते हुए। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, ये 2 मीडियम साइज का टमाटर है, डाल के फ्राई कर लेंगे।
हम यहाँ एक मिनट भून लेंगे ऐसे ही चलाते हुए। अब हम डालेंगे यहाँ हल्दी, आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको। अब हम डालेंगे एक टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला और 1/4 के करीब काली मिर्च पाउडर डाल के चलाएंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको भी। और 1/4 के करीब लाल मिर्च भी डाल लेते हैं थोड़ा सा, चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक डाल के फिर से वापस चलाएंगे। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाला एक में मिल जाए, बढ़िया से भुन जाए, और चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे ये आधा कटोरी फ्रोजन मटर है, डाल देंगे। इसको गर्म पानी से हमने धो लिया था, डाल के चलाएंगे अच्छे से। और ये देखिए भूनते हुए हमारा 1 मिनट हो गए। अब हम डालेंगे इसमें दही, ये 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे। और दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ग्रेवी खट्टा हो जाता है। अब हम चलाएंगे इसको और यहाँ हमने आँच एकदम मीडियम रख एकदम सिम कर दिया है, सिम करके और चलाएंगे जल्दी जल्दी। यहाँ आँच तेज नहीं करेंगे, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। और ये हमारे भूनते हुए 1 मिनट हो गए। अब हम इसको ढक के पकाएंगे, ढक्कन हटाएंगे। और ये हमारे लगभग 3 मिनट हो गए भूनते हुए और ये हमारा तेल छोड़ चुका है। अब हम इसको चलाएंगे, चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। देखिए बिल्कुल तेल छोड़ चुका है मसाला। अब हम जो हमने सब्जियां फ्राई किया था वो डाल देंगे और डाल के चलाएंगे, इसको भी अच्छे से थोड़ा भून लेंगे, अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। अब हम हरा धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून और चला लेंगे बढ़िया से। अब ये हमारा सब मिक्स हो गया है, हमने थोड़ा भून लिया है इसको। अब हम दम देंगे। अब हम पतीले में घी डालेंगे, अच्छे से नीचे घी डालेंगे ताकि नीचे हमारी सब्जियां जले ना, और बिरयानी है तो कंजूसी ना करे घी डालने में। तो घी डालेंगे और चारों तरफ लगा लेंगे। अब हम सब्जियां डालेंगे, पहले सब्जी का लेयर लगाएंगे चारों तरफ, अच्छे से रख देंगे। अब हम डालेंगे चावल, अब 1 लेयर चावल का लगाएंगे और चारों तरफ से बढ़िया से डालते हुए लेयर लगा लेंगे। अब ये हमारे हो गए 1 लेयर चावल का। अब हम ऊपर से फिर वापस घी डालेंगे क्योंकि एकदम घी का महक बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। चारों तरफ बढ़िया से डाल लेंगे। अब हम डालेंगे पुदीने के पत्ते, ये फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं, तोड़ के डाल देंगे। अब हम इसमें काजू डालेंगे, चारों तरफ एक एक करके डाल देंगे। और ये बादाम डालेंगे, और यहाँ आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, हमने बादाम और काजू डाला है। और ये हमने केसर और दूध डाल के रखा था, गरम दूध और केसर डाल के ये फूल चुका है। अब हम डाल लेंगे चारों तरफ। अब हम इस पर फिर वापस 1 लेयर सब्जी का लगाएंगे और चारों तरफ बढ़िया से फैलाते हुए लेयर लगा लेंगे ताकि चावल एकदम बढ़िया से ढक जाए। अब हम फिर वापस से चावल का लेयर लगाएंगे, बढ़िया से सब्जी को ढक देंगे। ये हमने चावल का लेयर लगा लिया। अब हम फिर वापस से पुदीना पत्ता डालेंगे, वापस से हम पुदीना पत्ता डालेंगे और हम फिर घी डालेंगे ऊपर से बढ़िया से, और फिर बादाम डालेंगे,
फिर उसके बाद काजू डालेंगे, एक एक काजू करके डाल लेते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम फिर वापस डालेंगे केसर और दूध, चारों तरफ फैलाते हुए डाल लेंगे। और अभी से ही इसकी महक बहुत अच्छी आ रही है। अब हम तवा रखेंगे, तवे के ऊपर रखेंगे, तवे पे दम देंगे। डायरेक्ट हम दम नहीं देंगे, नहीं तो नीचे से चावल पकड़ने का डर रहता है जलने का। अब हम 12 से 15 मिनट तक इसको दम देंगे। ये देखिए लगभग 12 मिनट हो चुके हैं हमारे दम देते हुए। अब हम तवा हटाएंगे और डायरेक्ट गैस पे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक डायरेक्ट गैस पे हम पकाएंगे। अब ये हमारे हो चुके हैं 3 से 4 मिनट दम देते हुए, और एकदम सिम गैस पे हमने दम दिया है। अब हम गैस बंद करेंगे और उतार लेंगे। अब हम थोड़ा कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। और ये 2 मिनट हो गए गर्म होते हुए, और इसमें ऐसे गोल्डन ब्राउन करके प्याज डालिए तो बहुत अच्छा लगता है, प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। ऊपर से डालेंगे इसको, और देखिए हमने फ्राई कर लिया। अब हम चलते हैं, डाल देंगे ऊपर से, चारों तरफ बढ़िया से डालेंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे, और ये देखिए हमारी बिरयानी तो कितनी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है इसकी। अब हम इस पर प्याज डाल लेते हैं चारों तरफ, और ये देखिए कितनी अच्छी बिरयानी बनी है, एकदम टेम्पटिंग, बहुत अच्छी लग रही है, कलरफुल। खाएंगे तो जानेंगे, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से, और बताएं आप ये कैसी रेसिपी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।